नमस्कार। यह पूछे जाने पर कि वे निवेश में इतना सफल कैसे हुए, बफेट ने जवाब दिया, हम प्रत्येक वर्ष सैकड़ों और सैकड़ों एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं। जब कोई किसी कंपनी में निवेश करता है तो वह केवल एक शेयर नहीं खरीद रहा है, बल्कि कंपनी का एक पार्ट ओनर भी बन जाता है। उसने कितने शेयर खरीदे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो निवेशकों के लिए कंपनी का ओवरव्यू प्राप्त करने के लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट एक वर्ष के दौरान कंपनी के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस का सारांश है। पूरी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, विशेष रूप से यदि आप निवेश की दुनिया में नए हैं या आप एक फुल टाइम जॉब के साथ एक इंडिविजुअल निवेशक हैं। लेकिन हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन बताएंगे जो आपको एनुअल रिपोर्ट को कुशलतापूर्वक पढ़ने में सहायता करेंगे। शुरुआत करने के लिए आइए रिपोर्ट के पहले भाग पर ध्यान दें, जो है चेयरमैन की रिपोर्ट। चेयरमैन की रिपोर्ट में कॉरपोरेट एक्टिविटीज, स्ट्रैटेजीज, रिसर्च, लेबर संबंध, मुख्य उपलब्धि, भविष्य के लक्ष्यों और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निवेशकों को कंपनी के फ्यूचर प्लान और स्ट्रैटेजीज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। डायरेक्टर की रिपोर्ट। यह सेक्शन फाइनेंशियल्स पर एक संक्षिप्त सारांश, फाइनेंशियल परिणामों और कंपनी में होने वाले प्रमुख विकास की व्याख्या प्रदान करता है। इस सेक्शन को पढ़ते समय निवेशकों को कैपेसिटी एडिशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान और ऑर्डर बुक जैसी प्रमुख चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस। यह सेक्शन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स और फ्यूचर के ग्रोथ की संभावनाओं, कंपनी का सेगमेंट वाइज एनालिसिस आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैनेजमेंट ने कुछ वर्षों के लिए निर्धारित किए गए रेवेन्यू टारगेट को प्राप्त किया है या नहीं। शेयर होल्डिंग की जानकारी। इस सेक्शन में निवेशक को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या कंपनी के टॉप स्टेक होल्डर में कोई बदलाव है या नहीं, और साथ ही प्रमोटर के गिरवी रखे गए शेयर में कोई बदलाव है, इसको भी देखना चाहिए। यदि कोई बदलाव है तो बैंक और फाइनेंशियल संस्थान से फंड रेज करने के लिए प्रमोटर अपने शेयर का उपयोग जमानत के रूप में करते हैं। गिरवी रखे हुए शेयर का बढ़ना शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क उत्पन्न करता है। क्वालिफिकेशन और सैलरी। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के निर्णयों के लिए जिम्मेदार प्रमुख मैनेजमेंट के लोगों, डायरेक्टरों की विस्तृत क्वालिफिकेशन और सैलरी की जानकारी प्रदान की जाती है। निवेशक को बोर्ड की स्ट्रेंथ को समझने के लिए कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या को देखना चाहिए और यह चेक करना चाहिए कि यहाँ कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है या नहीं। ऑडिटर रिपोर्ट। यह सेक्शन कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ऑडिटर्स द्वारा दिए गए कमेंट प्रदान करता है। ऑडिटर्स की रिपोर्ट निवेशकों को फाइनेंशियल जानकारी की प्रामाणिकता का एक स्नैपशॉट देती है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स। यह सेक्शन यूजर फ्रेंडली तरीके में कंपनी के परफॉर्मेंस का एक स्नैपशॉट देता है। अधिकांश कंपनियां पिछले 5-10 वर्षों की फाइनेंशियल हाइलाइट देती है, जो यह समझने में सहायता करती है कि कंपनी अपने पास्ट के संबंध में कैसे ग्रो हुई है। यह अपनी फाइनेंशियल ट्रेंड का एनालिसिस करने में सहायता करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह सेक्शन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में संकेत देता है। हमने अपने अन्य वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा की है, इसलिए आप उन्हें भी चेक करें। नोट्स टू अकाउंट। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई गई संख्याओं का विस्तृत ब्रेकअप शामिल होता है। एक निवेशक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नोट्स टू अकाउंट का अध्ययन करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट पढ़ना निवेशकों के लिए एक एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि इससे उन्हें कंपनी के विभिन्न पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और इसलिए गलत तरीके से फंस जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल एक वर्ष की एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से पढ़ने से आपको अधिक जानकारी नहीं मिलेगी। किसी कंपनी के बारे में बेहतर ओपिनियन बनाने के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष की एनुअल रिपोर्ट को देखना होगा। प्रत्येक कंपनी का
अपना अलग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। इस प्रकार अधिकांश कंपनियां जो फॉलो करती हैं वो वही है जो हमने यहाँ फॉलो किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.